दही को ग्रेवी या बिरयानी में दही डालने से पहले उसे अच्छी तरह फेंटने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख कर हल्का सा ठंडा होने पर इस्तेमाल किया जाए तो ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाता है। अगर आपकी रोटियां या परांठे ज़्यादा टाइट या क्रिस्पी बनते हैं तो छेना फाड़ने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल आटा लगाने के लिए करें। इससे रोटियां या परांठे अधिक स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। कटे हुए फल जैसे सेब को स्टोर करने और काला पड़ने से बचाने के लिए उन पर नींबू का रस लगा सकते हैं। इसके अलावा फलों पर आप शहद को पानी में मिलाकर इन पर लगाएं तो ये जल्दी काले नहीं होंगे। अगर ढाबे जैसे खिले खिले और सफ़ेद चावल बनाने हैं तो चावल को पकाते समय उसमें एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू का रस डाल दें। इससे चावल दूध की तरह सफ़ेद और खिले खिले बनेंगे। कटे हुए आलू को लंबे समय तक रखने से वो काले हो जाते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें ठंडे पानी में स्टोर करेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होंगे और काले भी नहीं पड़ेंगे। पूरी बनाते समय तेल में थोड़ा सा विनेगर मिला देने से पूरी में अधिक तेल नहीं लगेगा और पूरियाँ नरम भी बनेगी। अगर पकोड़े बना रहे हैं तो पकोड़े के घोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें। इससे पकोड़े ज़्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। अगर कुछ मीठा बना रहे हैं तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो लौकी को कद्दूकस करने के बाद निकले पानी से परांठे का आटा लगाएं। परांठे मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें, इससे प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे। यदि आप भी दुबलेपन के शिकार हैं और आसानी से कुछ उपाय करके वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आयुर्वेद द्वारा सुझाई गई कुछ उपाय और जड़ी बूटियों का सेवन आपकी मदद कर सकते हैं। कई औषधियों को अत्यंत प्रभावी ढंग से वजन बढ़ाने में मददगार माना जाता है। सबसे खास बात तो ये है, आयुर्वेदिक की औषधियों से किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स का भी खतरा कम होता है। आइए जानते हैं किन उपाय और औषधियों को प्रयोग में लाकर आसानी से वजन बढ़ाने और आकर्षक लुक फिटनेस पाने में मदद मिल सकती है। शाम की सैर हमारे दिमाग और शरीर के लिए अच्छी होती है। एक अध्ययन के अनुसार पैदल चलना अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मददगार पाया गया है। रात में टहलने से हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। हमारे दिमाग को दिन की घटनाओं को पचाने का समय मिलता है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो ये मानसिक स्पर्श हमारे विचारों की दौड़ को कम करने में मदद कर सकती है। अक्सर हम घर में बची बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, पर इसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। घर में बची पुरानी ब्रेड को एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में कर सकते हैं। कटलेट स्वादिष्ट बनेगा और टूटेगा भी नहीं। ब्रेड में उबले हुए आलू और बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी आदि मिला लें। स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया, कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला लें। अगर सीख जाम हो गया हो तो सीख के अंदर छेद में नमक और सोडा डाल दें। कुछ देर बाद साफ पाउडर डालकर ऊपर से तेज धार के साथ गर्म पानी डालें, सीख साफ हो जाएगा। फ्रीज में आ रही बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें, बदबू दूर हो जाएगी। अगर किचन की टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हो तो दाग धब्बों को पहले सिरके से पोंछ कर उसके बाद गर्म पानी से साबुन मिलाकर साफ करें। किचन की टाइल्स अगर पीली होने लगे तो नमक और तारपीन के तेल से साफ करें। पानी में नींबू और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर किचन स्लैब साफ करें। इससे स्लैब की सफाई हो जाएगी और रसोई खुशबू से महक उठेगी। अगर आपकी रसोई में चींटी और कॉकरोच रहते हैं तो इसका कारण साफ सफाई की कमी हो सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फल या सब्जी काटने के बाद स्लैब को गीले कपड़े से साफ करें। दो ब्रेड्स के बीच में जैम लगा लें और इन्हें छोटे छोटे गोल या चकोर टुकड़ों में काट लें। बच्चों के लिए मीठा स्नैक्स झटपट तैयार हो जाएगा। ब्रेड को पानी में डुबोकर निचोड़ लें और उसे मैश कर लें। पैन में तेल गरम करें, इसमें बारीक कटे प्याज, आलू और टमाटर डालकर पकाएं। इसमें मैश की हुई ब्रेड मिला दें, नमक, शक्कर और नींबू का रस मिलाएं। हरी धनिया से सजाकर ब्रेड पोहा सर्व करें। लाल मसूर दाल से बना फेस पैक लगाने से झाइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए भीगी हुई मसूर दाल को पीस कर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, करीब 20 मिनट के बाद क्लीन कर लें। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करने से धीरे धीरे झाइयां कम होने लगेगी। दही में शक्कर और नमक मिलाएं। अब इसे चम्मच से मटरी या वेफल्स पर डालें। ऊपर से चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर बुरके बच्चे स्वादिष्ट डिश को बहुत चाव से खाएंगे। कद्दूकस किया हुआ चीज ब्रेड पर फैलाएं। इस पर बारीक कटा हुआ प्याज,
शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी डालें। इसे ओवन में बेक कर लें। ब्रेड पिज्ज़ा तैयार है। मॉर्निंग में नाश्ते में कुछ हेल्दी ट्राई करना हो तो सबसे पहले ऑमलेट ही दिमाग में आता है। टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च के स्वाद के साथ स्वादिष्ट ऑमलेट दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है। हालांकि रोज़ एक ही तरह के ऑमलेट खाकर आप शायद आप बोर भी हो गए हो, तो आप एक मज़ेदार ऑमलेट का मज़ा आज से ले सकते हैं। एक तड़का पैन लेकर इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम कर ले। अब इसमें पालक प्याज डालकर भून ले। अब एक बाउल में दोनों अंडे को तोड़कर उसमें नमक और काली मिर्च मिला ले। इसे बढ़िया से फेटे जब तक इसमें झाग ना हो जाए। अब इसमें 20 ग्राम फेटा जीरा मिलाएं और इसे चलाकर पलटकर पका लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएं और फिर गर्मा गर्म इसे खाना शुरू कर दें। अगर आपके रसोई में ऐसी सब्जियां रखी हैं जो अपनी ताजगी खो चुकी हैं, तो उन्हें ठंडे पानी से भरे बर्तन में 1 या 2 नींबू का रस डालकर 1 घंटे के लिए रख दें। इससे आपकी सब्जियां फिर से ताजी हो जाएंगी। दही की मदद से भी झाइयों को कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से मुँह को धो लें। इससे चेहरे पर नेचुरल निखार आता है। पालक उबलने के बाद अपना रंग खो देता है। इससे बचने के लिए पालक को उबलने के तुरंत बाद 5 मिनट तक बर्फ़ के ठंडे पानी में डाल दें। यदि आपके पास बर्फ़ का ठंडा पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पालक या मटर को पकाते समय बस 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालें। पालक और मटर का गहरा रंग बना रहेगा। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी को करेला टेस्टी नहीं लगता है। करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए कटे हुए करेलों को नमक वाले पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें। पानी से निकाल कर पकाएं। आप जानते हैं कि चीज़ों को जल्दी से कैसे पकाया जाए और इसे धीमा कैसे करें। बहुत तेज़ी से पकाने से रोकने के लिए केले के तने के गुच्छे को एल्युमिनियम पन्नी के साथ कवर करें। जायफल भी झाइयों को हल्का करने में कारगर होता है। ये स्किन को साफ करने और चेहरे की रंगत निखारने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 1/2 चम्मच शहद में 1/2 चम्मच जायफल पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिल सकता है। क्या आप जांचना चाहते हैं कि बेकिंग सोडा अभी भी इस्तेमाल करने लायक है या नहीं? 1 चम्मच बेकिंग सोडा को गर्म पानी में मिलाकर आप जांच कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी बुलबुले आते हैं तो आप इसे बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दही जमाते समय ज़्यादा जामुन का इस्तेमाल किया जाए या इसे ज़्यादा देर तक गर्मी में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। दही के खटास को दूर करने के लिए सबसे पहले इसके पानी को सावधानी से निकाल कर अलग करें। अब इसमें ठंडा पानी डालें और चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता इसे चलाएं। ध्यान रखें कि इसकी मलाई घुलनी नहीं चाहिए। दूध को गिरने से रोकने का एक रहस्य है। बर्तन के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रख दें, इससे दूध गिरने से बच जाएगा। नरम आटा गूंथने में माहिर नहीं है तो चिंता ना करें। बस आटे को नरम बनाने और इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़े दूध के साथ गूंथ लें। हरी मिर्च को फ्रीज में रखने से पहले उनके तनों को हटा दें और उन्हें कागज में लपेट दें। वे बहुत लंबे समय तक रहेंगे। यदि आपको किसी कच्चे फल या सब्जी को जल्दी से पकाना चाहते हैं तो इसे एक सेब के साथ पेपर बैग में डालें। सेब इथाइलिन नामक अम्ल का उत्सर्जन करता है जो पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। चाय के दाग साफ करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आपके कपड़ों पर चाय गिर जाती है तो आप उसमें मक्खन लगा दें, उसके बाद चाय के दाग खत्म हो जाते हैं। सौंफ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब एक चिधाई रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3 से 4 बार करें। खांसी में तुरंत फायदा होगा। नींबू का रस निकालने से पहले उन्हें थोड़ी देर गर्म करके फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहे तो उन्हें गर्म पानी वाले बाउल में डाल सकती हैं या उन्हें कुछ देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर सकती हैं। जब भी हम गोभी बना रहे हैं तो उसकी गंध से बचने के लिए उसमें ब्रेड का एक स्लाइस डालें। सब्जियां काटने के लिए हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। मार्बल स्लैब पर सब्जियां काटने से चाकू की धार कम हो जाती है। सब्जियों का जितना हो सके उतना पतला छिलका निकालने की कोशिश करें। जो लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी पीने से चेहरे पर निखार आने लगता है। साथ ही मोटापा कम करने में भी बहुत ही मदद मिलती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है।
किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।